हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी अफगानी सलवार बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और ये लेस ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह लंबाई में 2 फोल्ड किया है और अब हम इसे एक बार फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इस तरह देखिए, ये ओपन साइड है। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज़ हो उसका 4th भाग प्लस 5 इंच की लूजिंग लेनी है। हिप है इसके 40, 40 का 4th भाग होगा 10 और प्लस 5 इंच की लूजिंग। तो 15 इंच पे मैंने निशान लगाया इस तरह। और अब यहाँ पे आसन की लंबाई लेंगे। तो जो भी हिप साइज़ हो उसका 4th भाग प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेनी है। तो हिप का 4th भाग है 10 प्लस उसमें 2.5 इंच की लूजिंग। तो 12.5 इंच पे आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों निशान को जॉइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब यहाँ आगे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हम नॉर्मल सलवार में बॉटम मोहरी रखते हैं उससे हमें डबल रखना है। तो यहाँ पे मैं 14 इंच की बॉटम रखूँगी। अब इन दोनों निशान को जॉइंट कर लेंगे। तो ये मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारे 2 पार्ट हैं इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह मिला लिया है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। और अब हम यहाँ दोनों आसन पर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी आसन पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, दोनों आसन मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब ऊपर से बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक की लेंथ मैंने 32 इंच रखी है। जितनी हमारी कमर हो उससे 2 से 3 इंच कम रखना है। अब दोनों पार्ट को इस तरह ओवरलेप करके स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब इस इलास्टिक को हम इस तरह रखेंगे और आगे से फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ किनार पे सिलाई लगानी है, इलास्टिक पे सिलाई ना लगे इस बात का ध्यान रखना है। अब इलास्टिक को इस तरह खींच के पूरे राउंड में गेदर्स को बराबर करेंगे। और अब इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इलास्टिक हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम में हम यहाँ पर इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए, प्लीट्स डालने के बाद बॉटम की चौड़ाई है 14 इंच। और अब हम इसकी मोरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी कैनवास पट्टी को फैब्रिक पट्टी पर चिपका लिया है और इस फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच। नीचे से 1/2 इंच मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए। अब इसे हम बॉटम पर अटैच करेंगे। तो ये हमारी सलवार की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पर इस पट्टी को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। अब इस पट्टी को सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ नीचे हम लेस अटैच करेंगे।
तो इस लेस को मोरी के नीचे रखेंगे और आगे से फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह, तो ये फोल्ड होने के बाद इस तरह इसकी लुक आएगी। सेम इसी तरह से दूसरी मोरी भी मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो इसे उल्टा करेंगे। और यहाँ पे सलवार की बॉटम रखूँगी मैं 6.5 इंच इस तरह, और अब अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारी अफ़गानी सलवार रेडी हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।